एवरीवन, आप सभी के मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे की किचन से गेहूं के आटे की आलू की खस्ता कचौरी की रेसिपी लेके आई हूं। ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं बताती हूँ कि आलू की खस्ता कचौरी के लिए क्या क्या चीजें लगती है। उसके लिए मैंने आटा लिया, गेहूं का आटा है, 150 ग्राम आटा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं, अच्छी तरह मिला लेते हैं इसको। उसके बाद मैं इसमें मोवन के लिए तेल लेती हूँ, आप घी भी ले सकते हो। खस्ता बनाने के लिए इसमें ज्यादा तेल लगता है तो मैंने इतना लिया है लगभग। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। इसमें मैं अजवाइन लेती हूँ इतनी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छी तरह मिला लेंगे इसे। आप देखिए मैंने आटे में इतना मोवन मिलाया है कि इसके लड्डू जैसा बन रहा है, इससे बहुत खस्ता कचौरी बनती है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट डो बना लूंगी इसका। इसमें पानी डालती हूँ मैं, बहुत कम कम पानी डालेंगे, इसका बहुत सॉफ्ट डो तैयार करना है। कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं, उसके लिए मैं ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, जितना आप खाते हो उतनी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, स्किप कर सकते हो। एक चम्मच धनिया पाउडर, ये 203 हरी मिर्ची काट के रखी है वो ले रही हूँ मैं। फ्रेश हरा धनिया ले रही हूँ, कटा हुआ रखा है, सॉफ्ट डाल रही हूँ, आपको अगर पसंद है तो आप डालने स्किप कर सकते हैं। अमचूर पाउडर डालूंगी एक चम्मच, अदरक डालूंगी आधा चम्मच, और हींग डालूंगी चुटकी भर। अब हम सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका डो तैयार कर लेते हैं कचौरी भरने के लिए। मैंने मसाले को फ्राई नहीं करा है, आप अगर चाहते हो तो आप फ्राई कर सकते हो मसाले को। मैं इस तरह से ही बनाऊंगी कचौरी। मसाला बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी छोटी छोटी बॉल बना के रख लेंगे ताकि कचौड़ी में भरने के लिए आसानी हो। मैं बॉल, आप जितना आपको मसाला लेना कचौड़ी में उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं इतनी बॉल बना रही हूँ, देख सकते इतनी बड़ी बड़ी मैं बॉल बना के रख लूंगी सारी। मसाले की मैंने बॉल बना के रख लिया है। अब हम आटा देखते हैं, आटा तैयार हो गया होगा, 10 से 15 मिनट हो गई हैं, आप देख सकते हो। अब देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। इसको एक बार थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोई बना के रख लेंगे हम। इस तरह से इसकी लोई बना के रख लेंगे। मैं सारे आटे की लोई बना के रख लेती हूँ। मैंने आटे की लोई बना के रख ली है। अब हम एक लोई लेंगे और इधर हम इस तरह इसको पूड़ी की तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें हम जो मसाले की लोई बना के रखी थी हमने उसको रखेंगे। इस तरह लोई बना के रखने में क्या होता है, परेशानी नहीं होती मसाला भरने में। अब हम इसको बंद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बंद करने के बाद इसको इस तरह से दबा के और हथेली की मदद से दबाएंगे इसे। आप चाहो तो इसको दोबारा बेल सकते हो, नहीं तो हथेली की मदद से इसको बड़ी करके इस तरह से बना के रख सकते हो। मैं इस तरह से सारी बना के रख लूंगी। मैंने कचौड़ी बना के रख ली है। इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था जो गरम हो चुका है। गैस को सिम कर देंगे और इनको कढ़ाई में डालेंगे, आराम से डालेंगे इस तरह से। इनको डालते से नहीं पलटना, थोड़ा नीचे सिकने दें इसको, उसके बाद हम इनको पलटेंगे।
इनको इस तरह से पलट पलट के बिल्कुल करारा सेक लेंगे। आराम से सिकने दें इन्हें। आलू की कचौरी बन के तैयार है। मैंने गेहूं के आटे से बनाई है, बहुत से लोग मैदे के आटे से बनाते हैं। इनको बनाने में कुछ नहीं लगता, बहुत ही सिंपल है ये। खाने में बहुत टेस्टी होती है, अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसको खाएं। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितनी करारी खस्ता बनी है ये, देखिए कितनी अच्छी बनी है ये, बिल्कुल अच्छी तरह सिक चुकी है अंदर से। आप भी इस तरह ही से बना के खाएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।